Myself, I am Ratna Bhushan. Welcome to Best IAS and good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your per-day efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Before starting today's most important fact related to our nation, I would like to read the preamble of our Constitution. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Today's most important fact which is related to Honorable Prime Minister is, I want to show you, Honorable Prime Minister, he is for last 3 days he is in Banaras, Varanasi, then sent to city of India. यूपी चुनाव के आखिरी फेज में पूर्वांचल फतह करने के लिए बनारस में डेरा डाले पीएम मोदी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण के वंशजों व यदुवंशियों के प्राचीन मठ गढ़वा आश्रम पहुंचे। यहां मोदी ने मत्था टेका और गायों को चारा खिलाया। आश्रम में स्वामी सदगुरु शरणानंद ने मोदी को आंवले और करौदे का मुरब्बा दिया। प्रधानमंत्री का आश्रम के मंच से संबोधित करने का भी कार्यक्रम था, लेकिन साउंड सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वे बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। गढ़वा आश्रम एसपी संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सबसे प्रिय आध्यात्मिक स्थल है। पूर्वांचल के लाखों लोग गढ़वा आश्रम के अनुयायी हैं, इनमें से ज़्यादातर यादव हैं। पीएम से पहले इस आश्रम में मुलायम सिंह यादव एक दर्जन बार आ चुके हैं। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, अमर सिंह सहित कई नेता यहां आ चुके हैं। गढ़वा आश्रम के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक आवास गए, वहां श्रद्धांजलि देने के साथ उन्होंने भजन भी सुना। And one more thing is there which is related to Delhi and the efforts of Honorable Kejriwal ji. भारत में अपने पानी के स्रोत वाला पहला शहर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पानी के स्रोतों में विस्तार के लिए नए और अतिरिक्त जल स्रोतों के सृजन के लिए अनेक अत्याधुनिक परियोजनाओं की शुरुआत की है और बड़े जल संकटों के बचने की तत्काल कार्रवाई दर्शाई है। इन सब की दिल्ली में के नागरिकों, सम्मानित जल कार्यकर्ताओं और संरक्षण विदों ने बहुत प्रशंसा की है। मेरा प्रयास जो भी पर डे का अच्छा एफर्ट होगा, चाहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का हो, हम लोग उसको सराहें और उस पर काम करें, क्योंकि हम सभी का मकसद एक ही है, अपने देश को ऊंचे से ऊंचे ले जाना और हर व्यक्ति के लिए काम करना। दुनिया में अपनी तरह की पहली बाढ़ क्षेत्र पुनरुद्धार योजना में संरक्षण और उपयोग, पल्ला बाढ़ क्षेत्र पुनरुद्धार योजना में 105 नलकूप और 5 रेनीवेल योजना रोजाना 35 MGD अतिरिक्त पानी जुटा रहे हैं। इस अतिरिक्त पानी की आपूर्ति दिल्ली के पानी कमी वाले क्षेत्रों में पूरा होगा। सो दिस इज अ वेरी नाइस एफर्ट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द रेस्पेक्टेड ऑनरेबल CM केजरीवाल जी। आई वुड लाइक टू से द सजेशंस ऑफ टुडेज मेनी डेज आई एम टेलिंग यू फॉर ईच एंड एवरी CM, फॉर ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग फॉर दिस नेशन। हर 2 किलोमीटर पे एक डस्टबिन और वॉशरूम होने चाहिए एंड इट मस्ट बी पेड। मुझे ऐसा लगता है कि इसका विनम्र पूर्वक स्वागत करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पब्लिक वॉशरूम जो है एब्सोल्युटली अनहाइजेनिक है और बहुत तेजी से वॉशरूम बनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं ये एक अच्छे से अच्छे वॉशरूम बनाए जाए। वॉशरूम ऐसे होने चाहिए जैसे एयरपोर्ट पे होते हैं और भी जो अच्छे अच्छे जगह पे होते हैं। एंड मस्ट बी पेड। बिफोर एंडिंग दिस प्रोग्राम आई वुड लाइक टू से द फंडामेंटल ड्यूटीज, and I want that each and every Indian have to know this fundamental duty and it must be displayed every public places. So it is a request to all the CM, all the government officers, all everybody and Honorable Prime Minister Ji, it should be displayed on buses stops, railway,
metros, school, degree college, university, everywhere. The fundamental duties of each and every citizen must know either in Hindi or English. So here it is. According to Article 51A, it says that the duty of every citizen of India, number one, to abide by the constitution and respect its ideal and institution, the national flag and the national anthem. Two, to cherish and follow the noble ideas inspired the national struggle for freedom. Three, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Four, to defend the country and render national service when called upon to do so. Next, fifth, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic and regional or sectional diversity, and to renounce practices derogatory to the dignity of women. Six, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. Seven, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. 8. To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. 9. To safeguard public property and to observe violence. 10. To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement. And 11. To provide opportunity for education to a child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. So thank you, Honorable Prime Minister Ji. We are proud on you. Your dedication, your hard work is the example for the whole nation. We can make this country more clean, more beautiful and more glorious. Jai Hind!